तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपने चैनल पे एक नया हमने शुरू किया शो, जिसमें हम आपको पॉडकास्ट के जरिए बताएंगे हमारे रायबरेली के, और उसके अलावा कुछ बहुत ही ऐसे हम लोग लेके आएंगे जो कि बहुत ही मोटिवेशनल या किसी स्टोरी से हमें इंस्पायर करेंगे। तो आज हमारे बीच में हमारे रायबरेली की आन बान शान, हमारे रायबरेली की आवाज, रायबरेली की पहचान राकेश शेखर जी। तो आइए सर से आज जानते हैं बहुत ही मजेदार सवाल, और सर से पहले हम पूछते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे हमको यहाँ बुलाया। सर पहले अपना परिचय बता दीजिए हमारी जनता को। मैं राकेश कक्कड़, हमारा व्यवसाय कक्कड़ साउंड सर्विस के नाम से कैपरगंज में है। 1950 में हमारा ये व्यापार प्रारंभ हुआ था। अच्छा। और आज भी हम इस व्यापार में संलग्न हैं। अच्छा। तो चलिए सर, हम लोग शुरू करते हैं अपने कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले आपकी इस जो जर्नी है, ये कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आप इस क्षेत्र में आए? मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हुआ एक छात्र हूँ, और जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तो हमारे प्रधानाचार्य के रूप में मास्टर जवाहरलाल थे। अच्छा। जो बाद में कुछ दिनों बाद देवी संपत मंडल रायबेली के अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद जी के नाम से हुए। अच्छा। तो नित्य प्रति जो वहाँ प्रार्थना होती थी, तो उस प्रार्थना में हम ही पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़े होते थे, और हमारे ही द्वारा उन्होंने प्रार्थना प्रारंभ कराई थी। प्रार्थना के कुछ बोल आज भी मुझको याद हैं। जी, वो शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। और एक उनका और भजन बहुत अच्छा था। अच्छा। हे दया में आप ही संसार के आधार हो, आप ही आधार हो, आप ही करतार हो। ये प्रार्थना में हम लोग नृत्य गाते थे। उसके बाद धीरे धीरे हमारी रुचि चली। जब हम अपने व्यवसाय में आए, तो व्यवसाय में आने के बाद उस समय मैं देखता था कि लोग प्रचार में जब किसी चीज का कराना होता था, तो उस समय कैसेट पेन ड्राइव या ये युग नहीं हुआ करता था। उस समय आदमी ही बोल के प्रचार करता था। अच्छा। जब कैसेट युग आया तो हमने कैसेट पे बोल के प्रचार करना शुरू किया, तो लोगों को बहुत पसंद आया। उस समय रायबेली में मेरे ही द्वारा प्रचार का कार्य प्रारंभ हुआ। उसके बाद पेन ड्राइव और अब लैपटॉप से वो प्रचार चल रहा है। अच्छा। किसी भी तरह के प्रचार के लिए आदमी हमारे पास अवश्य संपर्क करता है। तो ये सर जो आपका प्रचार वाला शुरू हुआ आपकी आवाज में, तो ये किस सन की बात होगी? ये हमने शुरू किया था, हमारे पिताजी 76 में खत्म हुए थे। उसके बाद हमने अपना दुकान पे बैठना शुरू किया। अच्छा। और ये प्रचार का कार्य शुरू हुआ है लगभग 82-83 में, जब कैसेट का पीरियड चला। अच्छा। सर जैसा कि उस टाइम तो इतना डिजिटल नहीं हुआ करता था, तो आपने कैसे इस चीज को मैनेज किया, क्या इक्विपमेंट्स लगे ये थे? कैसेट रिकॉर्डर एक आता था हमारा आहूजा का, मेरे पास आहूजा पब्लिक एड्रेस सिस्टम की एजेंसी है। अच्छा। आहूजा में ही एक कैसेट रिकॉर्डर आता था, जिसमें कैसेट डाल के हम लोग और माइक से बोलते थे, और वो रिकॉर्ड हो जाता था। और वही रिकॉर्डिंग कैसेट की जो है वो एम्पलीफायर में लगाते थे, तो लोग उसको बजाते थे। अच्छा। उस जमाने में और आज में देखे तो आपको कितना बड़ा फर्क दिखता है? उस जमाने में जो हमारी आवाज थी वो ओरिजिनल थी। अच्छा। आज हम लैपटॉप के जरिए जब उसको प्रचार करते हैं, तो हमारी आवाज में थोड़ा सा इको भी आ गया है, इफेक्ट्स भी हम जो चाहते हैं डाल लेते हैं, लेकिन उस समय ओरिजिनल आवाज ही आती थी। आज इफेक्ट्स के साथ जो आती है, तो थोड़ी साउंड की क्वालिटी अच्छी, ऑटो ट्यून हो गई है। अच्छा सर, हमारा दूसरा सवाल ये है कि आपको रायबरेली की आवाज बनने में कितना समय लगा, कि आपको लोग कैसे जाने? कितना समय नहीं लगा, हम तो व्यापार के क्षेत्र में शुरू से जुड़े थे। उसके बाद मैं कृपलानी सरस्वती शिशु मंदिर में प्रबंधक रहा, तो मंचों पर जाने का अवसर बराबर मिलता था, इसलिए बोलने में भी मेरी रुचि थी। और जो बाहर से साधु संत आते थे, उनके साथ भी हम कार्यक्रमों में रहते थे, इसलिए हमारी रुचि इस कार्य में। अच्छा सर, आपको याद होगा कि आपने जो अपना पहला रिकॉर्डिंग करा था, किस चीज पे था, किस प्रचार पे था? पहली रिकॉर्डिंग नगर पालिका का चुनाव हुआ था। अच्छा। और उस चुनाव में काफी उसी समय से पहली रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी, जिसमें संतोष सिंह जी प्रभु टाउन के वो अध्यक्ष पद के लिए लड़े थे। अच्छा। और उनका चुनाव निशान था धनुष बाण। तो धनुष बाण उस समय रामायण सीरियल काफी चलन में था। जी। तो रामायण सीरियल की जो धनुष बाण की टंकार थी, वो हमने उसको अलग निकाली। अच्छा। और हम बोलते थे, और जब चुनाव निशान धनुष बाण होता था, तो धनुष बाण की वही रिकॉर्डिंग जो रामायण के सीरियल में आती थी, वो बजती थी और गूंजती थी। लग रहा था कि धनुष बाण निशान तो है ही है, लेकिन धनुष बाण जब चलने की जो आवाज है, वो भी उसमें आती थी। चार
आज भी हमारे यहाँ रायबरेली में जो प्रचार का हम लेते हैं पैसा, अगर आप लखनऊ में कराइए प्रचार तो उससे 10 गुना रेट है। ओ, काफी बड़ा। हाँ सर, हमारा अगला सवाल ये है कि आप ये जैसे प्रचार के अलावा तो आप कुछ संस्थाओं से भी जुड़े, तो उनके कुछ नाम हमें बताइए। जैसे रोटरी क्लब रायबरेली का मैं अध्यक्ष हूँ इस समय, कृपलानी सरस्वती शिशु मंदिर में मैं प्रबंधक के पद पर हूँ, और भारत विकास परिषद में मैं उपाध्यक्ष इस समय हूँ, साथ ही साथ सेवा भारती के संरक्षक के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। सर, इसके अलावा जैसे अब आपकी आवाज तो रायबरेली की पहचान है, अपनी आवाज भी कुछ हमें सुनाइए, हमारी जनता सुनना चाहती है वो आवाज को, तो जैसे कि हम आपसे अगर ये कहें कि आप हमारे लिए कुछ कहिए उस आवाज में, तो आप कैसे कहेंगे मैजेस्टिक मानस के नाम से? मैजेस्टिक मानस के नाम पे अगर हमें कुछ कहना है और आपके लिए हमको बना के देना है, आपके शहर रायबरेली किसान मैजेस्टिक मानस जो दूर दूर तक जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, इनके किए हुए कार्यों को आप लोगों ने भली भांति देखा है, जांचा है, परखा है, इनको और आगे बढ़ाने के लिए कृपया इनका साथ दें। जब भी इनकी एक आवाज हो आप खड़े हो, जिससे ये आपका अधिक से अधिक सम्मान कर सके और आपका सम्मान के साथ ही साथ आप सबके साथ घुल मिल सके। धन्यवाद, शुक्रिया सर। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के चैनलों में जो बच्चे काम कर रहे हैं, सभी लोग उनको आगे बढ़ाने का अवसर दें, क्योंकि व्यवसाय है, व्यवसाय अगर हम सब लोग चाहेंगे, सरकार सबको व्यवसाय नहीं दे सकती, लेकिन इस तरह के लोग का बच्चे जो काम कर रहे हैं उनको बढ़ाने का समय। ये आवाज हम लोग सर बचपन सुनते हुए बड़े हुए, आज उसको जब सामने बैठ कर सुनते हैं तो काफी अलग से एक इमोशन आता है। और सर, आप बस अंत में जो बच्चे इस तरह के किसी उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं टैलेंट में, आप उनके लिए कुछ दो चीज बता दीजिए। जो बच्चे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जब कभी उनको मेरी आवश्यकता हो मुझको वो बतावे, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, हर तरह से तन मन धन से जो मुझसे संभव हो सकता है हम उसकी मदद करने के लिए तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सर बहुत ज्यादा आपका शुक्रिया, आप हमारे चैनल पर इतना अपना समय निकाल के आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखा आपने सर का पॉडकास्ट, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।